दोस्तों, अगर आपके पास मोटो G54 5G फ़ोन है, उसमें आप कॉल रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको जाना है यहाँ पर डायलर में। डायलर में जाने के बाद आपको जो यहाँ पर 3 डॉट दिखते हैं, इस पर आपको टैप करना है और यहाँ पर सेटिंग ओपन कर लेनी है। सेटिंग ओपन करते ही यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलता है कॉल रिकॉर्डिंग का। कॉल रिकॉर्डिंग पर आप जैसे टैप करेंगे तो यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, इसके बारे में पहले जान लीजिए। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलता है डिलीट रिकॉर्डिंग। तो यहाँ पर जगह टैप करेंगे तो आप कितने दिन के बाद वो रिकॉर्डिंग डिलीट करना चाहते हैं, ऑटोमेटिकली वो डिलीट हो जाएगी रिकॉर्ड होने के बाद में। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। अगर कभी नहीं डिलीट करना चाहते हैं तो नेवर पर क्लिक रखिएगा। इसको हम कैंसिल कर देते हैं अभी। इसके बाद देखिए ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग, अगर आपको इस पर इसको इनेबल कर देंगे इस तरीके से, तो ये ऑलवेज रिकॉर्ड पर आपको टैप करना होगा। अब जितनी भी कॉल्स आएंगी अनोन नंबर से आएंगी वो सारी रिकॉर्ड हो जाएंगी, और यहाँ पर अगर इसको आप बंद रखेंगे तो कोई भी कॉल आपकी रिकॉर्ड नहीं होगी। अगर दूसरा वाला जो ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप टाइप करेंगे ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड दीज नंबर्स, इस पर टाइप करेंगे तो यहाँ पर चूज ए कॉन्टैक्ट करके इसको पहले आप इनेबल कर देंगे। ऑलवेज रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे, उसके बाद चूज ए कॉन्टैक्ट पर क्लिक करेंगे। चूज ए कॉन्टैक्ट पर जाकर के आप अपने नंबर, जो जिस नंबर को आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं, जिन नंबरों को करना चाहते हैं, वो सभी यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं और उनकी रिकॉर्डिंग होने लगेगी। जैसे ही कोई कॉल आप रिसीव करेंगे उस नंबर से, तो कॉल आपकी रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पहले सब्सक्राइब कर लीजिए।